कि 25 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट में मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन आए, आज उनकी बात करें। जो पहला मैथ का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 76। क्या है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपये है, तो मूल राशि क्या है ये हमें बताना। अब उसने जो बात करी है वो दर की 5% की बात करी है। दर है 5%, दर 5% है, तो 5 को फ्रैक्शन में बदल दो, मतलब भिन्न में बदल दो, तो 5/100 हो जाएगा। 5 को अगर मैं भिन्न में बदलूँ तो कितना हो जाएगा, 5/100। अब हमने यहाँ क्या करा, 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कुल मिलाकर ये आ गया 1/20। 1/20 का मतलब क्या होता है कि अगर 20 रुपये है तो 1 रुपये उस पर ब्याज है, 20 रुपये है तो 1 रुपये ब्याज है। इसका मतलब जो 20 रुपये हैं वो एक साल में कितने हो जाएंगे, 21 रुपये हो जाएंगे, वो एक साल में हो जाएंगे 21 रुपये। अब साल हैं 2 तो दोनों का वर्क कर दो, ये हो गया 400 और ये हो गया 441, ये हो गया 400 और ये हो गया 441। यो क्या है, यो है मूलधन मतलब प्रिंसिपल, यो क्या है, यो है मिश्रधन मतलब अमाउंट, और इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है, वो है ब्याज, वो क्या है ब्याज। तो 441 में से 400 घटाऊंगे तो कितना आया भैया, 41। कुल मिला के अगर बात करें तो जो 41 है वो ही किसके बराबर है, जो इसने क्वेश्चन में ब्याज दे रखा, और जो क्वेश्चन में ब्याज दिया वो दिया 3280 रुपये, जो क्वेश्चन में ब्याज दिया वो दिया 3280 रुपये, और हमें मूलधन चाहिए तो मूलधन हो गया हमारा 400, तो 400 बराबर किसका जाएगा, मूलधन का जाएगा, ठीक है। अब 41 से अगर मैं भाग दूं तो 41 8 328, भाई अगर वैसे नहीं पता लग रहा तो 8 की गुणा कर दो, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, 0 जो कि तू लगा दो, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 400 की गुणा किस में करेंगे हम, 80 में, 400 गुणा 80 में करेंगे तो 8 चौक 32, तो ये आ जाएगा भैया 32,000 रुपये जो है वो एक सही जवाब हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 की हम बात करें, क्या है भाई, यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 2 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम है और 2 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का औसत भार कितना है, सभी छात्रों का औसत भार कितना है। अब औसत भार की हम बात करें, औसत भार कितना है, ठीक है भाई, देखो क्या है, 6 का है 50, तो 6 की गुणा करेंगे हम 50 में, 6 की गुणा करेंगे हम 50 में, यह जाएगा योग, यह होगा 6 का योग। अगले 2 का 53 है औसत भार, तो 2 की गुणा करेंगे हम 53 में, तो यो इन 2 का क्या आ गया भैया, योग। अगले 2 का जो है वो है 55, तो हम क्या करेंगे, 2 की गुणा करेंगे 55 में, 2 की गुणा करेंगे हम 55 में, तो वो क्या आ जाएगा, जो ये 2 हैं उनका योग आ जाएगा, टोटल औसत आ जाएगा। सभी का औसत निकालना, आदमी कितने होंगे भाई, 6 और 2 8 और 2 10, आदमी कितने होंगे 10, तो गुणा करो और 10 से भाग कर दो, तो 6 5 30, ये तो 300 बना, 53 दूनी 106 और 55 दूनी 110 और 10 जोड़ दो भाई, 300, 106 और 110 को जोड़ दो, तो 110 और 106 216 और 300 516 10 का मतलब हो जाएगा 51.6 किलोग्राम, और ये इसका सही जवाब हो जाएगा 51.6 किलोग्राम जो है किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है भाई, 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में 1 सुरंग की मरम्मत करते हैं, तो 30 व्यक्ति 6 घंटे पर दिन कार्य करके यहाँ पर कितने दिनों में ये काम पूरा करेंगे, ये बता। तो हमें जो लगाना पड़ेगा भाई M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, M4 man मतलब आदमी, D4 day मतलब दिन, और H4 hour मतलब घंटे। तो यहाँ पर 39 आदमी दिए इसने, 10 घंटे दिए हैं और 12 दिन, सामने देखेंगे हम 30 आदमी कितने दिन और घंटे हैं 6 घंटे हैं 6, तो करो भाई हल इसे, 0 से 0 गया, 3 से काट दिया मैंने 13 39, 6 से काट दिया मैंने 6 दूनी 12, इसका मतलब अगर D2 की वैल्यू निकाल लूँ तो 13 दूनी 26 दिन आ गया,
इसका जो उत्तर आया वो कितना आया, ये आ गया 26 दिन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखो, उसने कहा वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल बचे बताना है। 990 और 1330 की उसने बात करी। अगर हम पहले को भाग कर रहे हैं यहाँ पर तो 6 और 200 की बात करें तो 10 शेष बचता। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें क्या करना है यहाँ पर, इनका SCF निकलेगा। लेकिन SCF क्या निकलेगा, जब कंडीशन दी गई हो SCF वाले क्वेश्चन में तो पहले कंडीशन लगेगी, बाद में SCF निकलेगा। शेष वाले में घटेगा तो कितना बचा भैया, 4, 8, 9 कितना बचा, यहाँ पर 10 है तो यो 1320 आ गया। भाग विधि लगानी पड़ेगी, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या से हमारी बात नहीं बनने वाली, बड़ी संख्या है तो लगाई हमने। एक बार माननी चली 984 आया, कितना बच गया भैया, यहाँ बचा 6, 11 में 60 गए 3, 12 में 0 गए 3, 336 आया। इसे आगे ले आओ 984 को, अब 336 की हम दो बार मानने चलाऊंगे, तीन बार चलने की नहीं, क्योंकि 33 99 ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर दो बार चलाई तो 6 2 12 3 2 6 7 3 2 6 तो यहाँ बचा 2 1 और यहाँ बच गया 3। ये आ गया भैया तुम्हारा 336। अब कितनी बार चलेगी, एक बार मानने चलेगी, अब कितनी बार चलेगी, एक बार। तो यह आया 312, यहाँ कितना बचा 4 2 24 आया। अब यहाँ पर 312 को मुझे भाग करना 24 से, 312 को मुझे 24 से भाग करना तो कितना आया भाई, 24 एकम 24 कितना बच गया, 7 और 24 3 72 ये पूरा पूरा कट गया, ये जो है पूरा पूरा कटा। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, ये जो 24 है जो इसका HCF है, जो इसका क्या है, मैस है, ठीक है। तो इसका जो मैसे आया वो 24 आया, और 24 सवाल का उत्तर क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें भाई, क्या है, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत हमें क्या करना है, हानि है या लाभ है वो हमें परसेंटेज यहाँ पे बताना है। तो ये क्वेश्चन भी लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा। तो यहाँ पे हानि या लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हमने बताया था क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100, क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100। अब क्रय वाली कितनी वस्तुएं थी, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 300 विक्रय में 500 क्रय में, तो 500 माइनस 300 बटे, अब हमें क्या लिखना बटे में, 300 बटे में क्या लिखना, 300, क्योंकि क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय है, ठीक है, और गुणा लगाऊंगे हम 100। अब यहां पर देखो 500 में से 300 गए 200, 200 गुणा 100 बटे कितना आया 300, 2 0 2 0 गई तो आ गया 200 बटे 3, 3 से भाग करूं मैं, 3 6 18 2 बच गए, फिर 3 6 18 करा मैंने 2 बच गए, तो 66 सही 2/3% का ये लाभ आ रहा। भाई लाभ ही क्यों आ रहा, क्योंकि प्लस में आ रहा, अगर माइनस में आता ही तो हानि हो जाती। आया क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें क्या है, उसने कहा 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, उनमें पहली 20 का 1.1 और अगले 9 का 1 है, तो अंतिम संख्या क्या है वो बतानी है, अंतिम संख्या क्या है वो बताना है, अंतिम संख्या क्या है। तो पहले क्या कर, हमने 30 की गुणा करेंगे हम 1.2 में, माइनस करेंगे 20 की गुणा करेंगे 1.1 में, माइनस करेंगे 9 की गुणा करेंगे हम 1। तो यहां क्या है, टोटल संख्या 30 है, 20 ये हुई, 9 ये हुई, ये होगी 29, 30 में से 29 जाऊंगी तो बचेगी 1, वही हमें चाहिए। करो भाई क्या है, इस पॉइंट से 0 साफ हो गया तो ये हो गया 12 3 36, इस पॉइंट से 0 साफ हो गया ये बचा कितना 22, और 9 एकम 9, तो 36 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा,
बाईस और नौ हो जाएंगे 31, तो कितना बचा? 5। तो जो 5 है वो अंतिम संख्या है, 5 इसका क्या बन जाएगा? उत्तर बन जाएगा जो सी ऑप्शन में, तो एक तरह से इसका सी ऑप्शन इसका भी सही। क्वेश्चन नंबर बेसिक बात करें क्या भाई, एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदे, उसने घोड़े को 10% लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया, उसे पूरे लेन देन में 1% का लाभ होता है, तो घोड़े की लागत बतानी। देखो घोड़े पर जो है तो घोड़ा है और दूसरी तरफ आ जाएगी तुम्हारी गाड़ी, घोड़ा गाड़ी यहाँ पे है इसके पास, 10% का लाभ मतलब जो 110, 5% की हानि मतलब जो 95, और पूरे सौदे में 1% का लाभ, तो मतलब जो 100 का माल था वो कितने में जा रहा है? 101 में घटा हो गई, 101 में से 95 गए 6 आया, 110 में से 101 गए 9 आया, तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, इसका मतलब इनका जो अनुपात है वो कितना है? 2:3 है, 2 और 3 हो गए 5, तो 5 ही बराबर वो है 80,000 के। हमें निकालना है घोड़े का मूल्य, तो 2 बराबर हो जाएगा भैया घोड़े का मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य 5 से 16 5 × 80 में, तो मतलब 16,000 आया, तो जो घोड़े का मूल्य आ जाएगा वो जाएगा भाई 16×2 = 32,000। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 83 में, देखो क्या करा 83 में है, चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, दोनों को किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 32 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर ना कोई लाभ और ना कोई हानि हो। एक तरफ 40 रुपये रखेंगे, एक तरफ 30 रुपये रखेंगे और बीच में 32 रुपये रखे जाएंगे, घटाओ भाई यो 8 आ गया, घटाओ भाई 2 आ गया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो अनुपात आ गया 1:4, और 1:4 ही कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें क्या है, एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है, मतलब बराबर नंबर के पेपर हैं, इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्त अंक 5:6:7:8:9:10 के अनुपात में है, कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं ये बताना है। देखो 6 पेपर हैं, एक में 5 नंबर आए, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के अनुपात में नंबर आए, ये अनुपात है नंबर नहीं। अगर मैं सबको जोड़ दूं तो 5, 6, 11, 11, 7, 18, 8, 26, 9, 35 और 10 हो गए 45, ठीक है। और ये जो नंबर आए हैं अगर मैं इन्हें नंबर मान के चलूँ तो जो 45 नंबर आए हैं ये हैं 60%, ये है 60%, ये है 60%, तो 100% बराबर मतलब कुल अंक कितने हैं भैया? कुल अंक कितने हैं? तो ये आ जाएंगे 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60, 3 इधर लिखा जाएगा भैया 4 इधर, ठीक है जी, और 4 से मैंने काटा तो आया 25, तो कुल जो अंक आएंगे वो आगे एक तरह से 75 अंक। अगर 75 अंक टोटल है, अगर मैं 75 अंक टोटल मान रहा हूँ तो जो एक पेपर होगा भाई उसके नंबर कितने होंगे? 75/6, उसके अंक कितने होंगे? 75/6, क्योंकि 6 पेपर थे। अब उसने कहा कि जो 60% से कम नंबर है, जो 60% से कम नंबर है वो कितने पेपरों में है? तो अगर ये टोटल अंक मान लो तो इनका 60% निकालना पड़ेगा मुझे भाई, मुझे 60% निकालना पड़ेगा, 6 से 6 गया तो कुल मिलाकर कितना आ गया? 7.5 नंबर। तो 7.5 नंबर से कम किस किस में है? 5 7.5 से कम होते हैं, 6 7.5 से कम होते हैं और 7 भी 7.5 से कम होते हैं, इसका मतलब कुल मिलाकर 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, 3 विषय ऐसे हैं जिनमें उसके नंबर जो हैं वो 60% से कम है, तो इसका उत्तर जो बनेगा वो 3 सही बनेगा। इसके बाद आया 85वां क्वेश्चन, उसने कहा एक साझेदार व्यवसाय में ए कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, बी कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश 1/4 भाग निवेश करता है, और सी शेष समय के लिए पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है, यदि 1940 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा में बताना।
अब देखो यहां पे तीन आदमी हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। पहले ने क्या करा, 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए लगाई। दूसरे ने क्या करा, 1/4 पूंजी 1/4 समय के लिए लगाई। तीसरे ने जो शेष पूंजी है वो पूरे समय के लिए लगाई। पूरा समय तो एक हो गया, शेष पूंजी होगी 1 - 1/6 - 1/4। एलसीएम आ गया 12 है, तो यहां पे कितना आया भाई, 12 - 6 = 12 और 4 + 12, तो 12 में से 5 गए, यह आ गया तुम्हारा 7/12। तो ये जो पूंजी लगी वो लगी 7/12। एलसीएम ले लो, यहां पर यहां तो हो गया 36, यहां हो गया 16 और यहां है 12। 36, 16 और 12 का एलसीएम ले, किसका, 36, 16 और 12। अब 12 तो हो या ना हो कोई अंतर ही नहीं पड़ने का, क्योंकि 12 से 36 कट रहा है, तो 12 और 36 के एलसीएम की बात करूंगा तो 36 आऊंगा। अब बात सारी किस पे है, 36 पे और 16 पे। 36 और 16 का लैसा कितना होगा, 36 और 16 को देखो 4 से अगर मैं भाग करूं तो यह तो आऊंगा 9 और यह आऊंगा 4, तो 9 चौक 36 और 36 चौका 144, तो इसका जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 144। ठीक है, तो यहां सबसे हमने 144 से गुणा कर दिया। ठीक है भाई, 36 से भाग करा हमने, 36 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 36 चौका 144, 4 चौक 16, 16 निम्मा 144 हो गए और 12 बारू 144 हो गए, 12 बारू 144 हो गए, कटता कुछ नहीं है, तो आ गया 4:9 = 12/84। अब यहाँ पर टोटल धन जो है वो कितना है, टोटल धन है 1940 रुपये, और यहाँ टोटल कितना आ रहा, 4 और 9 = 13, 4 और 9 = 13, 13 और 87 हो गए 97। ठीक है भाई, बी का हिस्सा चाहिए तो 9 बराबर हो जाएगा बी के, 97 दूनी कितने हुए हैं, 194 भाई, 2 × 7 = 14 कहाँ से लुगे, और 2 × 18 = 19, तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 रुपये, बी की वैल्यू आ गई 180 रुपये। एक बार फिर से है सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर आया 86वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 50% और 60% के क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है, मतलब यहाँ पर क्या है, क्रमवार बट्टे हैं, 2 बट्टे दिए उसने, जो 100 रुपये का माल था पहले उसको 50% की छूट दी, तो बची कितने गई भाई, 50/100 की बच गई, 100 में 50 रुपये छूट के हो गए तो 85 बच गए, फिर उसने 40% की छूट दी तो 40% की छूट दी तो बच कितने गए, 60%, तो 60/100 करेंगे, 2020 गई, यहाँ पे भी 2020 गई, 5×6 = 30 हो गए, इसका मतलब 100 का जो माल था वो 30 में जा रहा, 100 का माल था वो कितने में जा रहा, 30 में, तो छूट कितने की मिलगी, 70 की, तो जो एकल छूट है वो 70% के बराबर है, जो एकल छूट है वो 70% के बराबर। कोई क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, क्या है, 12,000 रुपये पर 9 महीनों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, जबकि ब्याज त्रिमासिक दे है, मतलब तिमाही दे, ब्याज तिमाही दे है। अब समय जो दिया इसने वो दिया 9 महीने कह दो, दर जो दी है वो दी 20%, यो है प्रति वर्ष, यो है प्रति वर्ष, ठीक है जी, ब्याज तिमाही दे है, ब्याज तिमाही दे है, तो हम क्या करेंगे, समय का 4 गुना, 9 माह है इसका 4 गुना करेंगे, तो 4 गुना माह का नहीं करना, साल का करना, तो तुम करेगे 9/12 और * 4, 4 × 12 और 3 × 9, तो आगे 3 तिमाही आई है, 3 तिमाही, एक साल में कितनी तिमाही हुआ, 4, 9 महीने में कितनी हो जाएगी, 3, वैसे भी लगा सकते हैं हिसाब। दर की बात करें, दर का होता है चौथाई, तो 20/4, 5% तिमाही आ गया, 5% तिमाही आ गया। अब 5 को मैं क्या बदलूंगा, फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलूंगा, तो 5/100 हो गया, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, मतलब हो गया 1/20, ये हो गया 1/20। ठीक है भाई, अब यहां पर क्या है,
एक बटे बीस है, तो इसका मतलब क्या है, जो 20 है वो कितना हो रहे हैं, 21 रुपए। साल दो होते तो वर्क करते साल है तीन, क्योंकि तीन तिमाही है, तो यहाँ साल की जगह तिमाही लगेगी, तो तीन तिमाही है, तो इसकी घात तीन लगा दो, ये हो गया 8000, और इसकी घात तीन लगाऊंगे होगा 9261। यो क्या है, मूलधन है, यो क्या है, मिश्र धन है, और इन दोनों का अंतर जो 1261 है वही क्या है भाई, ब्याज, वही क्या है, ब्याज है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने जो ब्याज दे रखा है वो कितना दिया, यहाँ पे ब्याज तो निकालना, 12000 रुपये मूलधन है, मूलधन 12000 रुपये, तो 8000 बराबर किसके हो जाएगा, 12 के, 12000 के, और 1261 बराबर किसके हैं, ब्याज के, 3 0 3 0 गई, 4 2 8 और 4 3 12, इसका मतलब सी आई बराबर जो हो जाएगा, हो जाएगा 3 × 1261/2, 1261 की गुणा 3 में करो, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 1 × 12 = 36 और 1 = 37/2, 2 से भाग करा, 2 × 1 = 2, 2 कितने बच गया, 1 × 2 = 16, 1 × 2 = 18, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, तो ये जो ब्याज आया वो आया 1891.50 रुपये, 1891.50 रुपये यहाँ पर डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नंबर 88 की बात करें भाई, क्या है, ए कार्य को 63 दिन में कर सकता है और बी ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है, तो सभी कार्य को करने में बी द्वारा कितने दिन लिए गए ये बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ए और बी की बात है, उसने कहा बी ए की तुलना में 40% अधिक कार्य कुशल है, मतलब ये 100 काम करेगा तो ये 140 काम करेगा, इसका मतलब ये है, ये 100 काम करेगा तो ये 140 काम करेगा, 20 बंजे होता है 100 और 20 सत्य होता है 140, तो इनका जो कार्य क्षमता का अनुपात है, मतलब ए अगर 5 काम करेगा तो बी करेगा 7 काम, ए अगर 5 काम करेगा तो बी करेगा 7 काम, अब बी से काम कराना, लेकिन हमें जो दिया है उसने कहा 63 दिन में ए खत्म कर रहा, और एक दिन में कितने काम करें, 5 काम, तो टोटल काम कितने होंगे, 5 से गुणा कर दो, बी से कराना तो बी एक दिन में कितने काम कर रहा, 7 काम, टोटल काम कराना तो 7 से भाग कर दो, 7 × 63 और 9 × 5 = 45 दिन जो है यहाँ पे जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन। आया क्वेश्चन नंबर 89, नमस्ते वा क्वेश्चन देखो क्या है, उसने कहा एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यह है 7 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस बार जितने भी पेपर आए सब में ट्रेन का एक नहीं दो क्वेश्चन आए, और एक क्वेश्चन तो ये पूछ रखा उसने, ट्रेन की लंबाई पूछ रखी, समय और चाल बदल बदल कर दे रहा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई की हमें बात करनी है, तो लंबाई होगी दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब चाल दे रखी उसने और समय दे रखा उसने, लेकिन चाल दे रखी किलोमीटर प्रति घंटे में, चाल दे रखी किलोमीटर प्रति घंटे में, उसे मीटर परसेंट बदलना, तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, 5/18 से हमें गुणा करनी पड़ेगी। हम उन्होंने पॉइंट हटा दिया, ठीक है भाई, पॉइंट हट गया, 5 × 2 = 10, 2 से काट दिया हमने, 2 × 3 = 6, 1 + 2 = 18 और 2 × 6 = 12, ठीक है भाई। अब 18 से काट दो, 18 × 2 = 36, 3 × 18 = 36, तो कितना आ गया, 22 और 22 सत्य हुए 154, तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 154 मीटर। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें क्या है, यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपये से 10% अधिक है, तो क्रय और विक्रय का हमें यहाँ पर मूल्य बताना। तो हमने ऑप्शन से लिया इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से लिया, कितना है भैया, पहला ऑप्शन है तुम्हारा 350, 400, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 700 और 800, तीसरा ऑप्शन है 800, 950 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 350 और 700। अब देखो उसने बात कही है
कि पहले वाले मतलब उसका उसने कहा है कि विक्रय मूल्य का 7% और क्रय मूल्य का 8%, एक का 7% एक का 8%, तो 7 या 8 किस मारे इस मारे, इसका तो कह रहा वो 8% और इसका कह रहा 7% बराबर है और यही बराबर आ रहे भाई। अगर मैं इसका 8% निकाल लूँ तो 56 रुपया होगा, इसका 7% निकाल लूँ तो 56 रुपया होगा, पहली कंडीशन पूरी। अब दूसरी कंडीशन भी इस पर चेक कर लो। उसने कहा विक्रय मूल्य का 9%, विक्रय मूल्य का 9% निकाल लो, 9×8=72 रुपये आ गया। क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपये ज़्यादा है, क्रय मूल्य का 10% निकाल लो, 70 रुपये आ गया। और उससे ही वो विक्रय मूल्य का जो 9% आया था वो 2 रुपये ज़्यादा है, 2 ही रुपये ज़्यादा है, क्योंकि यू आया था कितना 72 और यू आया 70। ठीक है भाई, एक बार करके दिखा दो तुम्हें। 700 का 8% निकाल लो तो 56 रुपये आ गया, 800 का 7% निकाल लो तो भी कितना आ गया 56। जो पहली कंडीशन में उसने कहा था दोनों चीज बराबर है, बराबर ही है। दूसरी कंडीशन में इसने कहा कि इसका 9%, 800 का 9% अगर मैं निकाल लूं तो 72 आऊंगा, और इसका निकालना 10% तो ये आ गया 70 रुपये। और उसने जो दूसरी कंडीशन में कहा, उसने ये कहा कि इसका जो 9% है इसके 10% है 2 रुपये ज्यादा, और वो ही आ रहा। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक है, तो कई क्वेश्चन हमें ऑप्शन से भी आसान पड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:6 है, इन कारों द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय का अनुपात बताना है। ठीक है जी, यह है किसका चाल का अनुपात, 3, 4 और 6, और हमें बताना है समय का अनुपात, दूरी समान है तो चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा हुआ है। अब उल्टे का मतलब ऐसा नहीं कि 6, 4, 3 लिख दो ना, उल्टे का मतलब उल्टा ही है, 1/3, 1/4 और 1/6। अब इनका एलसीएम ले लो, 12 आ गया, 3 से भाग करा 4 आया, 4 से भाग करा 3 आया और 6 से भाग करा 2 आया, तो ये उत्तर। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे, क्या है 0.7, 0.35, 1.05 का HCF निकालना, मतलब मैसे निकालना, 0.7, 0.35 और 1.05 का हमें निकालना है HCF। जब पॉइंट वाले का LCM निकालना हो या HCF, तो मैंने एक बात बता रखी है कि दशमलव के बाद जितने ज्यादा से ज्यादा अंक हैं, दशमलव के बाद जितने ज्यादा से ज्यादा अंक हैं, एक के सामने उतनी जीरो लगा और गुणा कर, तो यहाँ दशमलव के बाद जो ज्यादा अंक हैं वो 2 हैं, तो एक के सामने 2 जीरो लगाओ और गुणा कर दो, मतलब 100 की गुणा करेंगे, जब 100 की गुणा 0.7 में करेंगे 70 आओगा, यहाँ पर 35 आओगा और यहाँ 105 है। का HCF लेना हमें, का HCF लेना, तो हम क्या करेंगे अंतर्विधि लगा देंगे, अंतर्विधि लगा देंगे, यहाँ 35 अंतर आ गया इनका, 35 दुनी 70, 35 ही कम 35 और 35 दिया 105, इसका मतलब इन सब का जो HCF है वो 35 है, क्योंकि 35 ने सबको काट दिया। लेकिन हमें इनका नहीं निकालना था, हमें निकालना था इनका, तो जिससे गुणा करी थी उससे भाग कर दो, तो यह आ गया 0.35 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आया क्वेश्चन नंबर 93, आया भैया क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य है से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य है 2400 रुपये है और X% लाभ वांछित है तो नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। थोड़ा घुमा के दिया इसने क्वेश्चन, क्या कह रहा उसने, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य है 40% अधिक अंकित कर दे, मतलब क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है, क्रय 100 रुपये है, तो जो MRP है, जो अंकित मूल्य है वो 140 रुपये, यही बात कही इसने। ठीक है जी, अंकित मूल्य पर X% की छूट दे रहा, अंकित मूल्य पर X% की छूट दे रहा, तो उसे 12%
जो है लाभ प्राप्त हो रहा। अब हमारे पास एक चीज है क्या कि 100 माइनस छूट परसेंटेज जो बराबर है वो तो क्रय के है, और 100 प्लस लाभ परसेंटेज जो बराबर है वो होती है एमआरपी के, मतलब अंकित मूल्य के। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ भैया, छूट कितने परसेंट की दी? एक्स परसेंट की छूट दी, छूट दी एक्स परसेंट की, तो हो गया 100 माइनस एक्स बराबर किसके? क्रय मूल्य, तो मानना कितना था मैंने 100 रुपए। लाभ कितना हुआ इसे? लाभ हुआ 12% का, तो 100 में 12 जोड़ दो तो 112%, यहां पे भी परसेंट है यहां पे भी, बराबर हो जाएगा किसके? 140 के। बराबर किसके हो जाएगा? 140 के। एक जीरो से एक जीरो गई, 14 8 112, तो इसका मतलब 100 माइनस एक्स बराबर 80, तो जो एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई 20। इसका मतलब जो छूट दी उसने वो 20% की दे दी। अब वापस क्वेश्चन पाओ, उसने कहा अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है और उसमें एक्स परसेंट लाभ वांछित है तो नई वस्तु का विक्रय मूल्य बताना। देखो अब उसने कहा कि क्रय मूल्य जो है 2400 रुपए है, मतलब 100% बराबर 2400 है, और एक्स परसेंट कितना है? 20%, मतलब 20% वो लाभ लेना चाह रहा, तो विक्रय बताना। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? गुणा करते हुए उत्तर आओगे, गुणा करते हुए उत्तर आओगे, एक तो जीरो आई गई, 12 चौक 48, 4 12 दुनी 24, 24 और 4 28, तो जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो 2880 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है बताना। मतलब एक चीज समझो कि जैसे यहाँ खतौली से बस चली मेरठ के लिए, एक बस जो है सीधी यहाँ से खतौली चल के मेरठ पहुंची तो उसकी 66 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी, और एक बस ऐसी है जो यहाँ से चली खतौली से सकोती रुकेगी, फिर दोराला रुकेगी, फिर मोतीपुरम रुकेगी, तब वो मेरठ पहुंचेगी, तो इसका मतलब ये बीच बीच में सवारी उठाती जा रही, तो इसकी चाल ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, वही बात यहाँ पे कह रहा। तो बस अगर रुक रुक के चल रही और एक लगातार चल रही तो उनमें अंतर जो आ रहा वो केवल उस चीज़ का आ रहा, वो जो बीच में रुक रही इस वजह से उसकी चाल कम हो रही। वही पूछ रहा कि वो एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुक रही, तो उसका सूत्र हो गया डायरेक्ट, ठीक है, प्रति घंटा रुकने का समय। क्या हुआ भाई? बिना रुके चाल, माइनस रुक रुक कर चाल, बटे बिना रुके चाल, गुणा 60, और ये जो उत्तर आओगे वो मिनट में आओ। ठीक है भाई, जो उत्तर आओगे मिनट में आओ। अब बिना रुके चाल है 66, रुक रुक कर चाल है 55, बटे 66 और गुणा 60। ठीक है भाई, अब यहां पर 11 बचा, 11 से 66 को काट देंगे तो 6 बार कटेगा, और इसे भाग देंगे तो हर घंटे में कितने मिनट के लिए रुक दी? 10 मिनट के लिए रुक दी, ये इसका जवाब है। ठीक है, तो 94 तक लगातार मैथ के क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा गैप करने के बाद तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिला वो है 106। जो 106 क्वेश्चन है वो भी मैथ का ही क्वेश्चन है। क्या है? 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है और 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है, 80 छात्रों को दोनों पसंद है, तो कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद है ये बता दो। देखो भाई, हमने 2 गोले बनाए, यो सॉफ्ट ड्रिंक का है इसे ऐसे लिख दिया, यो मिल्क शेक का इसे हम लिख दिया, टोटल है 200। अब उसने कहा जो दोनों को पसंद है वो है 80, ऐसे हैं कितने? 80 छात्र ऐसे जो दोनों चीज ले रहे, उनके सामने कुछ आ जाओ वो वही ले लें, कोल्ड ड्रिंक आई लाओ जी और मिल्क शेक आया लाओ जी, हमें कोई परहेज नहीं है।
उसने कहा 140 कोल्ड ड्रिंक पी रहे, तो इस डिब्बे में 140 होने चाहिए, 80 आ लिए, 140 में से 80 घटा दो, 140 में से 80 घटा दो तो कितने बचे, 60। तो 60 जो है वो केवल कोल्ड ड्रिंक पी रहे और 80 कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे और मिल्क शेक भी पी रहे। इसके बाद 120 छात्र ऐसे जो मिल्क शेक पी रहे, तो इस गोले में होने चाहिए 120, तो 120 में से 80 घटा दो तो बचे 40। ये है कुछ ना कुछ लेने वाले, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हों चाहे मिल्क शेक ले रहे हों, वो है कुछ ना कुछ ले रहे। अब ये सारे हुए कितने वो देख लो, 60, 80 और 40, 60, 40, 100 और 80, 180। तो 180 ही आदमी ऐसे जो कुछ ना कुछ ले रहे, 20 बेचारे ऐसे जिन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर वो यहाँ क्वेश्चन दो कर दे कर सके था तुम्हारे से, एक तो ये पूछ लिया उसने कम से कम एक पेय पदार्थ, अच्छा कम से कम एक पेय पदार्थ में वो जब वो कम से कम शब्द लगा हुआ है ना, वो एक पी रहे वे भी गिनने और जो दोनों पी रहे वे भी गिनने उस कंडीशन में। और वो ये भी पूछ सकता था अब कितने ऐसे जो एक भी नहीं पी रहे, एक भी पेय पदार्थ नहीं पी रहे, तो फिर आता उत्तर 20 जो बच गए। 109वां क्वेश्चन जो है वो है आपका आयत चित्र वाला। उसने कहा नीचे दिया गया बार ग्राफ दो लगातार वर्षों 2006 और 2007 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री 1000 की संख्या में दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोनों वर्षों के लिए A2 की कुल बिक्री तथा दोनों वर्षों के लिए A4 की कुल बिक्री का अनुपात बताना है। तो A2 की जो बिक्री है उसे जोड़ दो भैया, A2 में है 75 + 65, A4 की बिक्री वो जोड़ दो भैया 85 + 95, और दोनों का अनुपात हमें निकाल। 5 × 5 = 10, 7 × 7 = 14, 5 × 5 = 10, 9 × 9 = 18, 0 0 गया, 2 × 7 = 14 और 2 × 9 = 18। तो उत्तर जो आ जाएगा वो 7 / 9 आ जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन इसका सही हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और आ रहा तुम्हारा 112 है। 112वां क्वेश्चन भी मैथ का ही है। उसने कहा A% B का मतलब जो है वो A + B - 1 है, तो 10% 2 का मान बताना। तो जहां A है वहां 10 रखना, जहां A है वहां 10 रखना, जहां B है वहां 2 रखना, जहां B है वहां 2 रखना, 10 और 2 = 12, और 12 में से 1 गए तो उत्तर 11 आ गया, उत्तर 11 आ गया। नंबर 115 की बात करें क्या है, यदि A और B दो समुच्चय इस प्रकार है कि A में तत्वों की संख्या 20 और B में तत्वों की संख्या 18 है और A B में दोनों में तत्वों की संख्या 10 है, तो A यूनियन B का मान बताना। देखो इसने कहा एन ए वो दे रखा 20, इसने कहा एन बी वो दे रखा 18 और इसने कहा एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है यहाँ पर 10, और हमारे से जो पता कर लिया इसने एन ए यूनियन बी का मान हमारे से पता कर लिया, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, ठीक है भाई। तो एन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन में अगर बात करो 10, इसमें बात करो 20 प्लस 18 होगी, ठीक है 18 है, ठीक है 18 है ना, 18 है। तो यहाँ पे एन ए यूनियन बी की बात करूँ तो 20 और 18 है 38 हुए, और 38 में से 10 घटा दो तो बचेंगे 28। तो इन ये जो है टोटल कितने हैं 28 हैं, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। अब अगला क्वेश्चन मैथ का जो है वो है 118। 118वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, 48 पुरुष एक काम को 14 दिन में करते हैं तो 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य की क्षमता ज्ञात करनी है, यहाँ पर एक तरह से कितने परसेंट वो काम कर रहे ये बताना, ठीक है। तो हमने देखा 48 पुरुष 14 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, मतलब एक काम कर रहे हैं, या जो कह देंगे कि हम 100% काम कर रहे हैं, हम कह देंगे 100% काम कर रहे हैं। और यहाँ पे 12 पुरुष हैं 5 दिन है, वो सॉरी 12 दिन है 5 पुरुष हैं, और कितना काम यहाँ पर करेंगे उसकी बात करें। देखो 12 × 48 हो गया भाई, 4 से काट दिया हमने तो कितना आ गया 25 बार कट गया, ठीक है 4 से काट दिया हमने
कितना आ गया 25 बार कट गया, तो W बराबर कितना आ गया 25 की 5 में गुणा करो, 25 गुणा 5 और बटे आ जाएगा 14, तो 25 बन जाए 125 बटे 14 का मतलब कर दो भाग 14 है निम्न 126 हो में ज़्यादा हो जाएंगे 14 अट्ठे पर चलाओ 14 अट्ठे 112 है, कितने बच गए 13, 130 हो गया, पॉइंट लगा देंगे अगर हम 8 पॉइंट करके कुछ आ रहा गया, देखो 8 पॉइंट करके बिल्कुल आ रहा 8.9, तो डी ऑप्शन इसका सही बन जाए, डी ऑप्शन इसका सही बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज पूछ ली, इसमें क्षमता की भी परसेंटेज पूछी, थोड़ा सा नयापन दिया लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं अगर हम दिमाग लगाते। नंबर 126 की बात करें, उसने कहा है यदि 5√3 प्लस √243 बराबर 24.249 है तो √192 प्लस 15√3 का मान क्या होगा। देखो भाई 5√3 प्लस √243 बराबर जो है वो 24.249 है, और दूसरा जो मान दिया वो दिया 192 √ में दे रखे और 15√3, इसकी वैल्यू बताना। तो देखो हम क्या कर सकें भाई, 5√3 प्लस, इस समय 3 से भाग दूँ तो स्थिति क्या बनेगी, स्थिति बनेगी 3 8 24, 3 1 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 81 है वो बाहर आ सके रूट से, 9 बाहर आ जाएगा, तो 5√3 प्लस 9√3 बराबर आ गया 24.249। अब 9 और 5 14 है, √3 बराबर आ गया 24.249, यहाँ का तो काम बनाए। अब यहाँ पे आ जाओ जी, इसे भी मैंने 3 से भाग करके देखा क्या स्थिति बना है, तो 3 6 18 और 3 6 12, इसे जोगा तो लिख दिया, इससे क्या पता लग रहा है 64 बाहर आ सके, 64 का 8 बाहर आऊंगा तो 8√3 हो गए और ये 15√3, तो 15 और 8 कितना हो गया 23, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या करा 23√3 की मुझे वैल्यू चाहिए, तो वो किसके बराबर है वो देख लूँगा, √3 से √3 गया तो एक्स बराबर हो जाएगा 24.249 गुणा 23 और बटे 14, ठीक है। अब यहाँ पे इसे गुणा उणा करके और तुम बता दो भैया क्या आ रहा, क्योंकि इसमें गुणा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टाइम तुम ही लगाओ, करो गुणा क्या आ रहा। देखो भाई अगर इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 39.8376, तो 39.83736 का मतलब जो है यहाँ पे क्या है, इसने डी ऑप्शन में रखा 39.84, तो ये जो है उत्तर इसका एक तरह से सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा इसका, ठीक है। अब और देख लें भाई, एक दो क्वेश्चन और मिल जावे तो उसे भी कर ही देंगे। तो 141वां क्वेश्चन और है मैथ का, 141वां क्वेश्चन भी मैथ का ही है। शिक्षक और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों का एक समूह एक सम्मेलन में भाग ले रहा है, यदि प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है तो समूह में कितने शिक्षक हैं, समूह में कितने शिक्षक हैं वो बताना। देखो शिक्षकों की संख्या निकालनी, 15 छात्रों पर एक शिक्षक है, मतलब टोटल जो ग्रुप बनना वो 16 का बनना, जितने ग्रुप बनेंगे उतने ही शिक्षक होंगे, हर ग्रुप का एक शिक्षक ऐड होगा, टोटल है 1280, तो 16 8 128, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 80 ग्रुप है तो हर ग्रुप में एक शिक्षक है, तो 80 शिक्षक हुए। तो कुल मिला के ये जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे वो हमने ढूंढ ढूंढ कर दिए, वैसे तो फिर भी कोई बच रहा तो तुम बता सको कमेंट कर दें।